अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, एज सिंपल एज इट मे साउंड। बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। कितने हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली एक घंटा काम करते हैं अच्छे तरीके से? मतलब बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो बहुत हुआ, चाहे वो योगा हो चाहे जिम हो चाहे ये हो वो हो, एक्चुअल में स्वेट निकलता है बॉडी में से, बहुत कम। करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, थोड़ा बैलकनी में वॉक कर ली सर, आज तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो अब जरा खा लेते हैं। इतनी सी बैलकनी नहीं है, वहां पे वॉक कर रहे हो, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं बॉडी पे काम करने का मतलब क्या, समझ आ रहा है? डेफिनेशन समझ आ रही है? पसीने आने चाहिए, यू मस्ट स्वेट, इतना एक्सरसाइज करना है डेली, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। तो अब ये बात थियोरेटिकली तो हमको समझ आती है, प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं कर पाते? कभी पूछा है अपने आपसे? लोगों के पास टाइम नहीं है सर। अरे क्या बकवास बात है ये, लोगों के पास में टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। नेवर गेट इनटू दिस एक्सक्यूज मोड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 घंटे करो, 24 घंटे में से एक घंटा, परसेंटेज वाइज कितना हुआ? हार्डली 4%। एक घंटा तो अपने ऊपर लगाना बनता है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। और टाइम नहीं है तो टाइम हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है? अगर बॉडी आपकी फिट नहीं रही, कुछ अचीव कर भी लिया, वो किस काम का है? आप कहते हो टाइम नहीं है, किस में टाइम जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है। अच्छा ठीक है, पैसा तो आपने कमा लिया, बॉडी की वॉट लगी हुई है, कमा किसके लिए रहे? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बल्कि एक लायबिलिटी है। कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? सच है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में बिजी हूं, तो वो मां जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो बच्चों का क्या रखेगी? पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, तब आप बच्चों का रख सकते हो ना। तो इस एक्सक्यूज में कभी मत पड़ो, ये देख लो ये एक एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है। नेवर से टाइम नहीं है। द मोमेंट यू से दैट एंड योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इट, टॉपिक क्लोज। अब इस एक्सक्यूज को आप कहीं भी फिट कर सकते हो कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है, खत्म, दी है। अब कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो ध्यान से समझो, बिकॉज पड़े रहने में, कुछ ना करने में, यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है, आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में मजा है, कुछ करना ना पड़े। किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो, मतलब मान लो आपकी बैल्कनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मजा है। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी 3 पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर पे हैं, वो क्या है? बॉडी। यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, ऊपर से पानी बारिश है, वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा? अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कि जब जैसे कितने हैं जो जिम करते हैं या किसी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10, 11, 12, 20, जो 21वां और 22वां करते हैं, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मजा है या नहीं है? योर ब्रेन मस्ट क्रेव फॉर दैट स्वीट पेन, इसको स्वीट पेन बोल सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है? ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जाओगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है, बच्चे को जिस सांचे में ढाल दिया वैसे ही ढलता चला जाएगा। ब्रेन को अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, और नहीं यार आज तो बहुत, ये क्या है, तो ब्रेन मान लेगी। ब्रेन उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करेगी कि अब आप नहीं कर सकते। बट अगर ब्रेन को आपने 1-2 हफ्ते तक झूठ बोला, ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, लड़ना नहीं है ब्रेन से, ब्रेन को बड़े प्यार से बोला कि देख बेटा ये जो पड़ा हुआ है ना, तो इसमें कुछ नहीं है,
सोच तू वहां जाएगा, तेरे को कुछ स्वीट पेन मिलेगा, उसके बाद में बॉडी में एक स्ट्रेंथ होगी, जब स्ट्रेंथ होगी तो चल भी रहा होगा तो उसमें एक मजा होगा। तो इफ यू स्टार्ट कॉलिंग इट स्वीट पेन, जैसे स्वीट्स के लिए हमारी ब्रेन क्रेव करती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे इस स्वीट पेन के लिए ब्रेन क्रेव करने लग जाएगी। जिस दिन आपको नहीं मिलेगा आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, आपको लगेगा यार मजा नहीं आया मतलब कुछ किया नहीं है, दिन बेकार हो गया आज का। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, टाइम अपने आप निकल जाएगा।